हे hey, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरी YouTube चैनल के अंदर और आप देख रहे हैं टेक ज्ञानिक। तो दोस्तों आज हम आपके लिए एक लाए हैं और एक मज़ेदार टॉपिक जो है हमारे चैनल के बारे में। तो आप अगर आपके वीडियो के लिए और YouTube चैनल के लिए इंट्रो अगर बनाना चाहते हैं तो आप इजीली आपके मोबाइल से ही आप बना सकते हैं। तो चलिए जल्दी से पहले हमारा ये इंट्रो देख लेते हैं और बाद में हम आपको सिखाएंगे कि काइनमास्टर की एप्लीकेशन की मदद से आप कैसे एक अच्छा सा इंट्रो आपके चैनल के लिए बना सकते हैं। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं ये हमारा आज का वीडियो। सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दीजिए ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो जैसे ही हम अपलोड करें आपको मिलती रहेगी सबसे पहले। पहले तो दोस्तों आपको यहाँ पे काइनमास्टर ओपन कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे हमको एक नया 16:9 यहाँ पे हमको प्रोजेक्ट ले लेना है। उसके बाद हमको चले जाना है, एक बैकग्राउंड अच्छा सा लेने लेना है। तो बैकग्राउंड अगर हम लेना चाहें तो यहाँ से हम हमारे थंबनेल में से ले सकते हैं। तो ये कुछ इस तरह से ये बैकग्राउंड रहने वाला है और दोस्तों इसको थोड़ा हमको लंबा कर देना है 9-10 सेकंड तक का। उसके बाद दोस्तों हमको क्या करना है कि हमको जाना है लेयर के अंदर और लेयर के अंदर जाके हमको यहाँ से हमको ले लेना है वो फायर बॉल वाला पूरा स्क्रीन। ठीक है दोस्तों, तो ये कुछ इस तरह से आपको हमको यहाँ पे दिखने वाला है। तो इसको हम दोस्तों अभी कर दे देंगे, इसको हम कर देंगे ब्लेंड। ब्लेंड कैसे करना है हम आपको दिखा देते हैं। ब्लेंड करने के लिए हमको यहाँ पे स्क्रीन कर देना है। तो ये जो हमारा स्क्रीन और वॉलपेपर है वो दोनों एक साथ में हमको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। और साथ ही में दोस्तों एक और लेयर हमको ऐड करना है, इसके अंदर हमको ऐड करना है हमारे मोबाइल का, हमारी YouTube चैनल का लोगो। तो हमारी YouTube चैनल का लोगो जो है वो हम आपको दिखा देते हैं, कुछ इस तरह से यहाँ पे हमको देखने को मिल जाएगा। तो जो भी हमारी चैनल में नया है प्लीज़ लाइक कर दीजिए, हमारे वीडियो को शेयर कर दीजिए और हाँ, हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही ना भूले और नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल ही ना भूले, क्योंकि जैसे ही हम वीडियो डालेंगे सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलेगी आपको। तो यहाँ पे दोस्तों हमको फोल्डर में चले जाना है और यहाँ से हमको एक लोगो सिलेक्ट कर लेना है, जो कि लोगो हमने अभी ही बनाया हुआ है। तो ये लोगो भी हमको ले लेना है और साथ ही में इसको ब्लेंड कर देना है। ब्लेंड के ऑप्शन पे जाके हमको यहाँ पे स्क्रीन सिलेक्ट कर देना है और इसको हमको ले जाना पड़ेगा बैक साइड, यानी सेंड टू बैकवर्ड। तो दोस्तों कुछ इस तरह से हमारा ये पूरा लोगो यहाँ पे हमको देखने को मिलने वाला है। और ये जो है फायर बटन वाला, उसको हम लेके आएंगे ब्रिंग फॉरवर्ड और पूरा फॉरवर्ड लेके आ जाएंगे ब्रिंग फॉरवर्ड फ्रंट। और यहाँ पे हमको ऑप्टिकलिटी थोड़ा कम रखना पड़ेगा। और यहाँ पे हमको दे देना है इन एनिमेशन स्लाइड टू राइट लेफ्ट कर देना है और कुछ इस प्रकार से हमको। तो ये तो हो गया हमारा एक, और दूसरा जो हमारा एक एनिमेशन यहाँ पे हमको देना पड़ेगा वो है प्लस की दबानी है, थोड़ा आगे ले जाना है
और थोड़ा और आगे ले जाना है। फिर हमको दोस्तों क्या करना है, थोड़ा सा जूम आउट कर देना है यहाँ पे, और यहाँ पे हमको ये की यहाँ पे प्रेस कर देनी है, सेम की प्रेस करते रहना है। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया हमारा, ये पूरा एनिमेशन यहाँ पे हमको देखने को मिल जाता है। तो ये पार्ट तो हमारा कंप्लीट हो चुका है, और अभी और इसके अंदर हम थोड़ी इफेक्ट और हम डालेंगे। तो पहले यहाँ से दोस्तों हम पूरा ये ट्रिम कर देते हैं, ज़्यादातर का पार्ट जो भी है हम यहाँ से कट कर देते हैं। और यहाँ पे जाके हम लेयर में जाएंगे, मीडिया में जाएंगे, ये ग्रीन स्क्रीन के अंदर जाएंगे, और ये हम यहाँ पे हम सिलेक्ट कर लेंगे पूरा कुछ इस तरह से पार्टिकल्स, और बैकग्राउंड हम थोड़ा बढ़ाने वाले हैं दोस्तों, और मोबाइल का जो हमारा लोगो है वो भी हम यहाँ पे हम बढ़ा देंगे कुछ इस तरह से, हमको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। इसको भी हमको यहाँ पे जाके ट्रिम कर देना है, पहले कुछ इस तरह से ट्रिम करना है। ये हो गया ट्रिम, ठीक है दोस्तों, और इसको हमको ब्लेंड कर देना है पूरा, ब्लेंडिंग में जाना है और स्क्रीन पे कर देना है। ठीक है दोस्तों, तो फाइनली हमारा जो लोगो है कुछ इस तरह से हमको यहाँ पे देखने को मिल जाने वाला है, और फायर पार्टिकल अगर आप ज़्यादा करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फायर पार्टिकल आप जितना बढ़ाना चाहते हैं बढ़ा सकते हैं। और यहाँ पे जाके दोस्तों आप लेयर में जाके और इफ़ेक्ट भी ऐड कर सकते हैं, कुछ इस तरह से आप इफ़ेक्ट यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, और दूसरा ये इफ़ेक्ट हम यहाँ पे हम लेने वाले हैं, और कुछ इस तरह से ये पूरा इफ़ेक्ट रहने वाला है, और इसको हम सेटिंग कर देंगे, स्पीड थोड़ा हम बढ़ा देंगे, फेड भी हम ज़्यादा कर देंगे, तो कुछ इस तरह से हमारा ये पूरा यहाँ पे हमको देखने को मिलने वाला है। ये इफेक्ट भी आप डाल सकते हैं, तो फाइनली दोस्तों हमारा ये पूरा लोगो जो है वो इस तरह से हमको यहाँ पे देखने को मिलने वाला है, तो दोस्तों कुछ इस प्रकार से आप ये वीडियो पूरा इंट्रो ऐसे आप बना सकते हैं, बहुत ही आसान काम है, ज़्यादा कुछ दिक्कत वाली बात नहीं है इसके अंदर। आप ऐसे ही आप सेटिंग करके पूरा वीडियो बना सकते हैं, इंट्रो बना सकते हैं।
जो भी हमारी चैनल में दोस्तों नए आए हैं प्लीज़ लाइक कर दीजिए, हमारे वीडियो को शेयर कर दीजिए और हाँ हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही ना भूले और नोटिफिकेशन बेल दबाना बिल्कुल ही ना भूले, क्योंकि ऐसे ही मज़ेदार इंटरेस्टिंग वीडियो जैसे ही हम अपलोड करेंगे सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलेगी आपको। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद दोस्तों।